लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बेबी हेल्दी नहीं हो रहा है, आपका बेबी वेट गेन नहीं कर रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके इस टेंशन को दूर कर देगा। मदर अपने बच्चे को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो मदर को लगता है कि अरे हमारा बेबी वेट गेन नहीं कर रहा है, इसमें कहीं हमारा फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन आपका फॉल्ट नहीं होता है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे, ये क्यों होता है और आप क्या कर सकते हैं बच्चे के वेट गेन करने के लिए। सबसे पहली चीज, आप बिल्कुल भी किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपके बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि क्या ये जेनेटिक है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा हेल्दी इंसान नहीं है, या आपके मम्मी पापा दादा दादी डेंटिक आपके पेरेंट है, वो अगर उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी हेल्थ बहुत ज्यादा हो, अगर उनमें से ऐसा कोई नहीं है, तो आपका बेबी अगर वेट गेन नहीं कर रहा है तो ये आम बात है, क्योंकि ये चीजें जेनेटिक भी होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट थोड़े हेल्दी हैं तो उनका बेबी भी हेल्दी दिखता है, लेकिन बाद में ये चीजें थोड़ी उनके लिए भी हेडेक हो जाती है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चे का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे को अपने एक नॉर्मल वेट पर आने पर भी उनके बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या मेरे बच्चे का वेट सही है अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, हाइट के अकॉर्डिंगली बच्चे का वेट है या नहीं है, ये आपके पीडियाट्रिक आपको आराम से बता देंगे और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको ऑप्ट करके अपने बच्चों के डाइट में ऐड करके बच्चों का वेट गेन में हेल्प कर सकते हैं और बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो हम कुछ फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपने बच्चे के डाइट में अगर ऐड करते हैं तो बच्चे का वेट काफी ज्यादा जल्दी गेन हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी टेंशन को दूर करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता करके जिससे आपके बच्चे का वेट गेन हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपका बेबी 6 मंथ का है, यानी कि अभी वो सेमी सॉलिड पे आया है, तो जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उसे आप प्यूरी के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी सॉलिड पे आ चुका है और आप उसे खिचड़ी दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं जो कि आपके घर में बनता है, तो भी जो मैं चीजें बता रही हूँ उसे आप ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपको उसको प्योरी फॉर्म में देना है या आप उसको सॉलिड में किस तरीके से देते हैं। बस आपको जो भी आप दे रहे हैं, आपको डाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें बस इसको ऐड करने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज है पोटैटो। पोटैटो आपके बच्चे को बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है और बच्चों के वेट गेन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। पोटैटो में होता है विटामिन B6, विटामिन C एंड जिंक। आपके बच्चे के फिजिकल ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और बच्चे के मेंटल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये चीज आप अपने बच्चे के खाने में जरूर ऐड करें। तो जैसे ही सेमी सॉलिड पे आता है तो सबसे फर्स्ट चीज अगर किसी मदर के दिमाग में आता है बच्चे को ऑफर करने के लिए, या तो वो मैंगो होता है या तो वो बनाना होता है। और बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को, 99% बच्चों को बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा चाव से उस चीज को खाते हैं। तो सेकंड चीज बनाना ही है। बनाना आप अपने बच्चे को प्योरी फॉर्म में दे सकते हैं। बनाना में होता है पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन A, C, D और बहुत सारा फाइबर। जब भी आप बनाना दे रहे हैं कोशिश करिए कि बनाना को आप मिल्क के साथ दें। अगर आप अपने बच्चे को बनाना मिल्क के साथ देते हैं तो वो अच्छी तरीके से वर्क करता है और ज्यादा अच्छा वर्क करता है। हमेशा बनाना वही बच्चे को दो जिसके ऊपर ब्लैक डॉट 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 रहे, वो बनाना बच्चे के लिए अच्छा होता है। अगर पका हुआ बनाना आप बच्चे को नहीं देंगे तो उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि बनाना अगर येलो दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि बनाना पका हुआ है, और ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप वैसा बनाना बच्चे को ना दे, बच्चे को वही बनाना दे जिसके ऊपर ब्लैक डॉट 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 होता है। वो बनाना बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। जब भी आप बच्चे को बनाना दे रहे हैं तो बच्चे को बनाना मिल्क के साथ दे। आप बनाना को अपने ब्रेस्ट फीड के साथ भी दे सकते हैं और आप फॉर्मूला मिल्क के साथ भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप इसे काउ मिल्क के साथ भी बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है बच्चे के वेट गेन में। एक चीज याद रखिए कि अगर बच्चे को कोल्ड है या कॉन्स्टिपेशन है तो बच्चे को कभी भी बनाना ऑफर मत करिए। अगली चीज है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आपके बच्चे के वेट गेन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करता है। जैसे कि आपको पता है मॉनसून आ गया है,
इस टाइम पे वायरल बहुत ही जल्दी से फैलता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी चीजों पे फोकस करिए जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। जैसे कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो बच्चे को फीड कराइए, क्योंकि आपके मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, WBC होती है, जो कि आपके बच्चों के इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो ऐसी चीजों पे फोकस करिए जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आपका बच्चा बीमार ना पड़े। स्वीट पोटैटो आपके बच्चे में इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करता है और वेट गेन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्वीट पोटैटो में होता है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 6 और कार्बोहाइड्रेट। अगर बच्चा सेमी सॉलिड खाता है तो उसको बॉईल करके मैश करके बच्चे को दे दीजिए, और अगर आपका बच्चा खिचड़ी खाता है तो आप उसको खिचड़ी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप उसको एज अ वेजिटेबल, अगर बच्चा अगर रोटी चपाती के साथ कोई वेजिटेबल खा रहा है तो आप वेजिटेबल में मिला करके उसको दे सकते हैं। अगर बच्चा रोल खा रहा है तो उसको रोल बना करके दे सकते हैं। तो जिस तरीके का आपके बच्चे का खाने का हैबिट है, जो वो खाता है उसके अंदर बस इसको आपको ऐड करके बच्चे को देना है। अगर बच्चा सेमी सॉलिड पे है तो इसको बॉयल करिए, जैसे मैंने बताया आपको, बॉयल करिए और बॉयल करके उसको मैश कर दीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी बच्चे का खाना ब्लेंड मत करिए, उससे उसका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो कम हो जाता है या सोचिए कि खत्म हो जाता है। तो आपको बच्चे को कभी भी खाना ब्लेंड करके नहीं देना है। बहुत ज्यादा नीड है तो बच्चे को मैश करके दे दीजिए, मैशर आता है वो मैश करके आप दे सकते हैं, लेकिन ब्लेंड मत करिए। ब्लेंड करने से जो खाने का न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आपके बच्चे का जो आपको जो बच्चे को जो मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पाता है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता है और बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो आप बच्चे के खाने को मैश करिए पर ब्लेंड मत करिए। तो सुना ही होगा, एक एप्पल अगर आप दिन में खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती है। तो ये एप्पल आपको अपने बच्चे को भी खिलाना है। बच्चे को जब भी आप एप्पल दे रहे हैं तो पील ऑफ करके ही बच्चे को दे, क्योंकि आजकल के एप्पल्स में ऊपर बहुत ही ज्यादा वैक्स लगा करके देते हैं, बेचते हैं, तो वो चीज आपके बच्चे के लिए भी अच्छी नहीं है ना आपके लिए अच्छी है। एप्पल तो न्यूट्रिशन का भंडार है, इसके अंदर होता है फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड। एप्पल उसे भी दे सकते हैं अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो बच्चा को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने में भी एप्पल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपका बेबी बड़ा है तो आप उसको खिचड़ी के अंदर या उसको जो भी आप सेरेलेक दे रहे हैं सेरेलेक के अंदर, या अगर बेबी अगर उसके दांत आ गए हैं तो बच्चे को ऐसे खाने के लिए दे दीजिए। वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि घर पे आप सेरेलेक कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर भी बच्चे को आप ये एप्पल मिला करके, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो चीज आप मिला करके दे सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और घर में बना सकते हैं आपके बहुत ही पोषण से भरा बच्चों के लिए सेरेलेक। एप्पल आपके बच्चे के मेमोरी को शार्प करता है। चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करने के लिए आप उसको पानी के अंदर मत डालिए। बॉईल का मतलब है आप नीचे पानी डालिए, ऊपर किसी बर्तन को रख लीजिए, स्टीम जिसको आप कह सकते हैं, जैसे आप इडली बनाते हैं वो स्टीम से बनता है। तो आप बच्चे को जो भी दे रहे हैं सेमी सॉलिड पे दे रहे हैं तो आप बच्चे को बॉईल मत करिए, उससे भी उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। आप बच्चे को जो भी दे रहे हैं उसको स्टीम करके देंगे तो उसको जो भी न्यूट्रिशन है प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, अगर आप उसको बॉईल पानी के अंदर कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। अगली चीज है कैरेट। कैरेट आपके बच्चे के वेट गेन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और कैरेट आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कैरेट भी बहुत अच्छा एडिशन है आपके बच्चों के डाइट में। तो इसके अंदर होता है विटामिन B6 और विटामिन ई। आपकी रोशनी के लिए अच्छा होता है, बच्चे के बालों के लिए अच्छा होता है और वेट गेन के लिए अच्छा होता है। तो कैरेट मल्टीपर्पज है ये। अगर ये सारी चीजें आप अपने बच्चे को देते हैं, उसके डाइट में ऐड करते हैं, तो आपको अपनी आंखों से इसके चेंजेस देखने को विद इन मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं और काफी ज्यादा वेट गेन करने में हेल्प करती हैं। तो इसे आज ही अपने बच्चे के डाइट में ऐड करिए और अपने बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन दीजिए, बच्चे का वेट गारंटेड गेन होगा ये सारी चीजें अगर आप अपने बच्चे को देते हैं। हम एंड में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसका जानकारी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक मॉम है। तो पहली चीज, आप अपने बच्चे का खाना कभी भी ब्लेंड मत करिए। बच्चे को जितना हो सके मैश करके खाना दीजिए। अगर आपके बच्चे के दांत आ चुके हैं तो बच्चे को जितना च्यू करा के खिला सकते हैं उतना खिलाइए। दूसरी चीज, कभी भी बच्चे का खाना बॉईल मत करिए, बच्चे का खाना स्टीम करके बच्चे को दीजिए तो उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से बच्चे को मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आपका बच्चा छोटा है तो बच्चे को काउ मिल्क कभी भी पिलाइए मत अगर वो 1 साल से छोटा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, बहुत ज्यादा ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, इन्फेक्शन और किडनी वगैरह में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। तो बच्चे को आप कभी भी 1 साल से पहले काउ मिल्क मत ऑफर करिए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई उसको प्योरी दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, कैरेट, स्वीट पोटैटो और एप्पल, ये सारी चीजें अगर आप दे रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आप काउ मिल्क का यूज कर सकते हैं अगर आप प्योरी बना रहे हैं तो।
तो ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं। आप लास्ट में उसके लिंक देख सकते हैं, आप पेरेंटिंग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मैं अपने चैनल पे हेल्थ ब्यूटी और पेंटिंग टिप देती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।